डॉक्टर का कहना है कि मेडिसिन नहीं है, ऑपरेशन ही इसका उपाय है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हमारे चैनल में स्वागत है आप लोग का। और आज सुबह सुबह मैं सारे घर के काम ख़त्म करके अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और सुबह तो नहीं है, 1 बज रहा है। बहुत सारे काम थे घर पे, ब्रेकफास्ट लंच ये सारे तैयार किए। इसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि डॉक्टर से चेकअप कराना है। रिपोर्ट लेके आई थी मैं, एक दो डॉक्टर को दिखाया तो वहाँ से तसल्ली नहीं हो रही है। हमें लग रहा है कि वो डॉक्टर तजुर्बेकार नहीं है। तो फिर मैं RML जा रही हूँ, दिल्ली के RML हॉस्पिटल में मैं जाती रहती हूँ, तो वहाँ जा रही हूँ। एम्स में उतनी अच्छी जान पहचान नहीं है, अभी बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, इसलिए मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाके एक बार चेक करा लेती हूँ। शायद ऑपरेशन की नौबत ना आए, लेकिन डॉक्टर तो आज मैं वहीं जाके इमरजेंसी वार्ड में दिखाऊंगी। वैसे शकल से लग नहीं रही कि इमरजेंसी लायक है, लेकिन है प्रॉब्लम क्योंकि ये है, पेट में दर्द सा बना रहता है मेरे को, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। और सुबह से मैं कई वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड भी कर दिया, आप लोग उसको देख लेना जाके। और इसके बाद मैं कितने बजे लौटूंगी ये तो नहीं पता, कितने बजे काम ख़त्म होगा, क्योंकि राम मनोहर लोहिया में परिचित हैं हमारे, मैं कुछ लोग जान पहचान के, तो वहाँ से मैं इमरजेंसी वार्ड में दिखाऊंगी और वहाँ क्या ट्रीटमेंट करता है, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऑपरेशन की नौबत नहीं आए, मुझे यही डर लगता है, क्योंकि ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, पैर टूटा था मेरे, इतनी जब पता चला कि ऑपरेशन होने वाला है तो मैं अपने जितने भी परिचित डॉक्टर थे सबको फ़ोन लगा कर पूछ लिया कि ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑप्शन नहीं है, आपकी हड्डी मतलब चूर हो गई है, तो ऑपरेशन ही कराना पड़, लेकिन मेरी तो सांसें अटक रही थी क्योंकि पहले मैं कभी कराई नहीं। फिर अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है ऑपरेशन के नाम से, लेकिन अगर ऐसी दिक्कत होगी तो बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो कराना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ शाम को अब घर पे, और ये मैं लेके आई हूँ सिमी हो रही है, और इस टाइम बज गया 7:45। डॉक्टर के यहाँ से, 2-3 डॉक्टर के यहाँ राम मनोहर लोहिया गई, वहाँ से चेकअप कराए। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है, तो मैं उसके बाद NDMC के डॉक्टर से दिखाया, वहाँ भी समझ ही नहीं आया उन लोगों को कि किस लिए पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं चली आई थोड़ी सी दवाई लेके, थक गई हूँ बहुत आज, अभी खाना बनाना है, नहाना है, फिर इसके बाद वीडियो वगैरह अपना चैनल वगैरह देखना है। चलिए मिलते हैं, कल बात करती हूँ, बाय।